नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आप देखना शुरू कर चुके हैं कच्चा चिट्ठा, और कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन जंग की। रूस यूक्रेन जंग में अब बहुत बड़ा हवाई युद्ध शुरू होने जा रहा है। रूस में ऐलान किया गया है जो भी रूसी सैनिक यूक्रेन के F-16 फाइटर जेट को तबाह करेगा उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन को कुल 85 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं जिन्हें मारने के लिए पुतिन ने सुपारी देना शुरू कर दी है। हुर्रा! शुन कर मारो F-16, करोड़पति बना देंगे पुत्र। लगभग 900 दिन की जंग के बाद अब लगभग ये साफ हो चुका है कि रूस यूक्रेन जंग में अब वही असली विजेता साबित होगा जो हवाई युद्ध में बाजी मारेगा। अभी तक की जंग में पुतिन ने हमेशा कमांडरों को वॉर रूम में साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन की हवाई ताकत को हावी मत होने दो। यूक्रेन ने जितनी बार रूस के अंदर हमले किए हैं उसमें 95% से ज्यादा हमले यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो से मिले ड्रोन से किए हैं, या फिर नाटो की मिसाइल या हिमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम से रूस में तबाही मचाई है। लेकिन अब यूक्रेन को अमेरिका और नाटो से F-16 फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं जो रूस में हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर हमला करेंगे। रूस के खिलाफ F-16 को सिल्वर बुलेट यानी चांदी की गोली बताया जा रहा है जो यूक्रेन को जंग में भारी बढ़त दिला सकता है। इस वक्त F-16 जेट से रूस पर हमले की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसीलिए रूसी सेना को ऑफर दिया गया है कि जो F-16 और F-16 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त करेगा उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। जरा देखिए क्या है ऑफर। रूसी सरकारी समाचार एजेंसी टास के मुताबिक रूस सेना एक F-16 या F-15 फाइटर जेट को हवा में उड़ा देती है तो उसे करोड़पति बना दिया जाएगा। एक F-16 को हवा में तबाह करने पर 15 मिलियन रूबल यानी 1,42,17,593 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। ठीक इसी तरह से अगर रूसी सेना नाटो के बेहद एडवांस टैंक जैसे अमेरिका का अब्राहम टैंक, ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक या फिर जर्मनी के लैपर्ड टैंक को तबाह करते हैं तो उसे 5,00,000 रूबल यानी 47,04,447 रुपए इनाम के तौर पर मिलेंगे। अभी तक यूक्रेन नाटो के टैंक, मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट सिस्टम से रूस पर पलटवार कर रहा है, लेकिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पिछले 2 सालों से F-16 फाइटर जेट मांग रहे हैं ताकि रूस की हवाई ताकत का मुकाबला किया जा सके। रूस की तरफ से सुखोई और मिग सीरीज के घातक लड़ाकू विमानों यूक्रेन के चीथड़े उड़ा रखे हैं। रूस की फाइटर जेट का मुकाबला यूक्रेन नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वॉशिंगटन DC में हुई नाटो की मीटिंग में तय हुआ है कि यूक्रेन को F-16 की जबरदस्त ताकत से लैस किया जाएगा। खबर है कि कई F-16 यूक्रेन पहुंच चुके हैं और यूक्रेन के पायलट अब रूस पर F-16 से हमला करने को तैयार हैं। हम आपको बता देते हैं कि यूक्रेन को कहां कहां से कितने F-16 मिल चुके हैं या फिर मिलने जा रहे हैं। इस समय यूक्रेन को डच और डेनिश सरकार मिलकर F-16 फाइटर जेट्स दे रहे हैं। कुछ F-16 के यूक्रेन पहुंचने का दावा भी किया जा रहा है। दावा यह भी है कि यूक्रेन को बहुत जल्द इन फाइटर जेट्स की पहली खेप आधिकारिक तौर पर मिल जाएगी। ट्रांसफर प्रोसेस तेजी से पूरा किया जा रहा है।
यूरोपीय देशों ने मिलकर यूक्रेन को 85 F-16 फाइटर जेट देने को कहा है ताकि यूक्रेन की ताकत बढ़ सके। इसके अलावा नॉर्वे और बेल्जियम भी 50 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देने को तैयार है। ये 50 F-16 जेट्स 2028 तक यूक्रेन को मिलेंगे। वहीं नॉर्वे अपनी तरफ से 22 फाइटर जेट भेजने वाला है। Продовжуємо роботу в Вашингтоні. Буде, зокрема, вже дуже скоро рішення по F-16. Збільшуємо кількість літаків, доступних Україні. Вчора для України ми отримали рішення про ще 5 Петріотів, десятки інших систем ППО. Сьогодні рішення по літаках. हम आपको ये भी बताएंगे कि पुतिन के रूस ने यूक्रेन के F-16 को तबाह करने का क्या प्लान बनाया है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि रूस के खिलाफ नेटो के कौन कौन से देश सबसे ज्यादा एक्टिव होकर यूक्रेन की जबरदस्त मदद कर रहे हैं। रूस के जानी दुश्मन 4 नेटो देश। वैसे तो नेटो में 32 देश हैं, लेकिन नेटो में शामिल 4 देश मुख्य रूप से रूस को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नेटो के ये 4 देश हैं अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। अमेरिका ने रूस के खिलाफ मुख्य रूप से F-16 और हिमार्स रॉकेट को हवाई हमले के लिए उतारा है। F-16 से यूक्रेन बहुत जल्द रूस के अंदर हमला करने जा रहा है, जबकि ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को उतारा है, जो यूक्रेन के जरिए रूस पर बड़ा हमला कर रही है। स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने रूस में भारी तबाही मचाई हुई है। वहीं जर्मनी की जमीन से रूस पर अमेरिकी टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, जिसकी वजह से रूस में भारी तबाही मची है। जबकि फ्रांस की तरफ से स्वचालित हॉवित्जर तोपें सीजर को रूस के खिलाफ उतारा गया है, जो रूस के अग्रिम सैन्य ठिकानों को तबाह करने में जुटे हैं। Мы это обязательно сделаем, мы добьемся этого, сомнений нет никаких. Вижу и такие вещи, на которые нельзя не обращать внимания, связанные с тоже безопасностью. Это прежде всего, конечно, безопасность атомной электростанции Запорожской. То, что противник наносит удары, теперь же прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны. И, к сожалению, не привлекает внимания со стороны как бы, тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживает сегодня. मार गिराओ F-16, इनाम पाओ 1,43,00,000 रुपए। रूस की वायुसेना के सामने यूक्रेन सेना बेबस है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी सेना ने तेजी से दबा किया है, लेकिन F-16 को लेकर पूरे रूस में खौफ है। यही वजह है कि रूस F-16 को खास तौर से दबा करने में जुट गया है। जरा देखिए F-16 पर करोड़ों रुपए का इनाम रूस में किसने घोषित किया है। तास के अनुसार 16 जुलाई को रशियन कंपनी फोर्स ने कहा कि वो किसी भी रूसी फाइटर को 15 मिलियन रूबल यानी 1,43,00,000 रुपए का इनाम देंगे अगर वो F-16 फाइटर जेट को मार गिराता है। तेल ड्रिलिंग इक्विपमेंट में विशेषज्ञता रखने वाली कंपनी के टॉप अधिकारी एलिया पोटानिन ने यह ऑफर दिया है। रशियन कंपनी फोर्स ने पहले F-16 लड़ाकू जेट को मार गिराने के लिए इनाम देने की बात स्वीकार की है। ये ऐलान एक समारोह के दौरान किया गया, जहां सेंटर ग्रुप के सैनिकों को पश्चिमी टैंकों के विनाश के लिए प्रमाण पत्र और भुगतान दिए गए हैं। एलिया पोटानिन ने कहा कि F-16 लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। Росіяни щодня б'ють по всім литовищам, по місцях потенційного базування F-16. По безпосередньо по литовищах, для того, щоб їх пошкодити, по льотній інфраструктурі. Ці удари вони не припиняються. Кімат пар Рус ко харане ме джуте. Хам апко бата дейн, кі джулай 2024 ме Америка ке Вашингтон ДІСІ ме НАТО шехат саммелан хуа та. जिसमें नेटो की 75वीं वर्षगांठ मनाने के दौरान नेटो ने ऐलान किया था कि हम यूक्रेन को जंग हारने नहीं देंगे और रूस को जंग में हरा देंगे। जरा देखिए रूस के खिलाफ किन हथियारों के दम पर नेटो ऐसे दावे कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को कई F-16 फाइटर जेट देने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के F-16 रूस के बेहद अंदर घुसकर हमला करने वाले हैं। अमेरिका ने यूक्रेन के पायलट को F-16 की ट्रेनिंग दी है। इसके अलावा अमेरिका अपनी टॉम हॉक मिसाइलें भी रूस के खिलाफ उतार चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका रूस पर हमला करने के लिए जर्मनी की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तहत जर्मनी में टॉम हॉक मिसाइल की तैनाती कर दी गई है।
टॉम हॉक क्रूज मिसाइल 1250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों को भेदने की काबिलियत रखती है। टॉम हॉक मिसाइल अपने लक्ष्य तक सीधे नहीं जाती, इसी कारण टॉम हॉक को किसी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए बीच रास्ते में गिराया नहीं जा सकता और इसे रूस के खिलाफ ब्रह्मास्त्र बताया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कीयर स्टॉर्मर ने रूस पर सीधा हमला करने के लिए कहा है। कीयर स्टॉर्मर ने अपनी स्टॉर्म शैडो को बेमिसाल मिसाइल बताया है। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस में 550 किलोमीटर तक हमला करे। स्टॉर्म शैडो मिसाइल में GPS, इन सीरियल नेविगेशन, इंफ्रारेड और टेरप्रोम मार्गदर्शन प्रणालियां लगी हुई हैं। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे हवा से जमीन पर दागा जा सकता है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल के जरिए रूस के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। 2023 में ही यूक्रेन स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले रूस पर कर रहा है, जबकि फ्रांस ने यूक्रेन को अपनी सीजर तोप दी है जो रूस के अंदर 42 किलोमीटर तक हमले कर रही है। फ्रांस की सीजर स्वचालित हॉवेजर तोपें हैं जिससे रूस को भारी नुकसान हो रहा है। President Biden for his leadership and all the efforts to make our security cooperation full of strong actions. There are 23 strong agreements and there will be agreements with other countries. And we have a historically significant security agreement with the United States. All of these helped us obtain the necessary air defense systems thanks to America and to all the partners, to all the leaders and your societies, your people, of course. ये हालात साफ साबित करते हैं कि रूस नेटो के हथियारों को क्यों तेजी से तबाह करना चाहता है। इस वक्त रूस के खिलाफ F-16 ही सबसे बड़ा खतरा है। रूस के खिलाफ सीधी जंग में सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के चार देश पूरी ताकत से रूस को तबाह करने में जुटे हैं। अब देखना होगा कि रूस नेटो के फाइटर जेट्स के हमलों का कैसे मुकाबला करता है।